चेन्नई सुपर किंग्स की हार और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की जीत के बाद बदला आईपीएल 2023 के पॉइंट टेबल का पूरा समीकरण। चेन्नई सुपर किंग्स भी अब मुश्किलों में फंसी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। आईपीएल 2023 में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की धमाकेदार जीत राजस्थान रॉयल्स के ऊपर हुई, तो वहीं पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को हरा कर अब पॉइंट टेबल का पूरा समीकरण पूरी तरह से बदल दिया है। तो दोस्तों, पॉइंट टेबल का पूरा समीकरण हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप किन चार टीमों को प्लेऑफ में देखना चाहते हैं, आप हमें अपनी फेवरेट चार टीमों के नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और साथ ही दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पॉइंट टेबल का पूरा समीकरण। तो दोस्तों, पॉइंट टेबल में सबसे आखिरी पायदान की बात करें तो यहाँ पर दिल्ली कैपिटल है, जो अब पूरी तरह से एलिमिनेट हो चुकी है आईपीएल 2023 से। दिल्ली कैपिटल ने 12 में से सिर्फ 4 मुकाबले ही जीते हैं, जबकि 8 मुकाबले हारे हैं। इनके पास फिलहाल 8 पॉइंट है, जबकि नेट रन रेट -0.686 है। दिल्ली कैपिटल अपने बचे हुए दोनों मुकाबले अगर जीत जाती है तो पंजाब और चेन्नई के समीकरणों को जरूर बगाड़ सकती हैं और यहाँ पर ये टीम कमाल कर सकती है। वहीं पर इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं नंबर 9 टीम की, तो यहां पर सनराइज हैदराबाद की टीम मौजूद है। एसआरएच ने अब तक 11 में से सिर्फ 4 मुकाबले जीते हैं, जबकि 7 मुकाबले हारे हैं। इनके पास 8 पॉइंट है, जबकि नेट रन रेट -0.471 है। इस टीम के प्लेऑफ में पहुंचने के अब कुछ ही प्रतिशत चांस बचे हुए हैं, क्योंकि अगर 14 पॉइंटों पर पॉइंट टेबल फंसती है, जो इस बार शायद मुश्किल नजर आ रही है, लेकिन अगर फंस जाती है तो फिर ये नेट रन रेट के आधार पर 14 पॉइंटों के साथ भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी अपने बचे हुए 3 मुकाबले इन्हें जीतने होंगे। वहीं पर दोस्तों, फिलहाल पंजाब किंग्स की टीम की हम बात करें तो ये टीम नंबर 8 पर मौजूद है। पंजाब किंग्स ने 12 में से 6 मुकाबले जीते हैं, जबकि 6 ही मुकाबले हारे हैं। इनके पास 12 पॉइंट है, जबकि नेट रन रेट इनकी अभी भी -0.268 है। पंजाब किंग्स अपने बचे हुए दोनों मुकाबले अगर दिल्ली कैपिटल और राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ जीत जाती हैं तो ये टीम पहुँच जाएगी डायरेक्ट प्ले ऑफ में, क्योंकि 16 पॉइंटों के साथ इनका तय हो जाएगा प्ले ऑफ, लेकिन उसके लिए इन्हें दिल्ली कैपिटल और राजस्थान रॉयल्स को हराना होगा। वहीं पर दोस्तों, आज के मुकाबले में शानदार जीत के बाद अब कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम नंबर 7 पर आ चुकी है। केकेआर ने अब 13 में से 6 मुकाबले जीते हैं, जबकि 7 मुकाबले हारे हैं। इनके पास फिलहाल 12 पॉइंट हैं, तो साथ ही इनकी नेट रन रेट अभी भी -0.256 है, लेकिन अगर ये टीम अपना बचा हुआ आखिरी मुकाबला अगर लखनऊ के सामने जीत जाती है तो कुछ चांस बन सकते हैं 14 पॉइंटों के साथ प्ले ऑफ में पहुँचने के। वहाँ पर ये टीम प्रबल दावेदार बन सकती है अगर नेट रन रेट भी थोड़ी बेहतर कर ले तो। वहीं पर दोस्तों, आज के मुकाबले में मिली शर्मनाक हार के बाद राजस्थान रॉयल्स की टीम अब नंबर 6 पर आ चुकी है। राजस्थान रॉयल्स के पास अब सिर्फ एक ही मुकाबला बचा है और वो मुकाबला पंजाब किंग्स के सामने बचा है, लेकिन फिलहाल राजस्थान रॉयल्स के 13 मुकाबलों में 6 जीत के साथ 12 पॉइंट हैं। साथ ही नेट रन रेट अभी भी इनकी +0.140 है। अगर ये अपना आखिरी मुकाबला जीतते हैं बड़े अंतर से, नेट रन रेट बेहतर करते हैं और अगर इसके बाद उम्मीद करते हैं कि पॉइंट टेबल 14 पॉइंटों पर फंसे, तो फिर इस टीम के चांस बन सकते हैं, नहीं तो इनका भी सफर इस बार का खत्म हो चुका है। वहीं पर दोस्तों, आज के मुकाबले में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद अब रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम आ चुकी है नंबर 5 पर। आरसीबी की टीम के पास अब 2 मुकाबले बचे हैं। फिलहाल 12 में से 6 जीत हैं, जबकि 6 हार हैं, जिसके चलते इनके 12 पॉइंट हैं। तो साथ ही आज शानदार बड़ी जीत के बाद अब नेट रन रेट इनकी +0.167 हो चुकी है। अब ये टीम अपने बचे हुए दोनों मुकाबले यानी कि सनराइज हैदराबाद और गुजरात टाइटन्स के खिलाफ जीत लेती हैं तो प्ले ऑफ में अपनी जगह पक्की कर लेगी, लेकिन अगर इन दोनों टीमों में से किसी एक टीम ने इसे हरा दिया तो फिर यह भी 14 पॉइंट पर आकर अटक जाएगी, यानी कि इनके पास भी खुद के दम पर पहुंचने का पूरा मौका है। वहीं पर दोस्तों, पॉइंट टेबल में अब हम नंबर 4 टीम की बात करें तो यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स हैं। लखनऊ ने 12 में से अब 6 मुकाबले जीते हैं, जबकि 5 मुकाबले हारे हैं। एक मुकाबला इनका अनिर्णायक रहा है, जिसके चलते इनके पास 13 पॉइंट हैं। साथ ही इनकी नेट रन रेट +0.309 है। ये टीम अपने बचे हुए 2 मुकाबले मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ जीत जाती हैं तो बड़ी आसानी से प्ले ऑफ में जगह पक्की कर लेगी, जबकि एक भी मुकाबला अगर हारी तो फिर ये फंसती हुई नजर आएगी हमें, यानी कि इन्हें भी 2 में से 2 मुकाबले बेहद ही शानदार तरीके से जीतने होंगे।
वहीं पर दोस्तों अब फिलहाल नंबर 3 पर मुंबई इंडियंस हैं। मुंबई इंडियंस की टीम ने अब तक शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 12 में से 7 मुकाबले जीते हैं जबकि 5 मुकाबले हारे हैं और इनके 14 पॉइंट हो चुके हैं। साथ ही नेट रन रेट अभी भी इनकी -0.117 है। लेकिन इनके लिए सबसे अच्छी बात है कि ये टीम अपने बचे हुए दोनों मुकाबले अगर जीतती है जो कि लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइज हैदराबाद के खिलाफ खेलने हैं तो ये टीम नंबर 2 पर इस बार IPL की इस पॉइंट टेबल को समाप्त करेगी, यानी कि क्वालीफायर 1 खेलने के अब इनके चांस काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स की हार के बाद अब इस टीम को बड़ी खुशखबरी मिल चुकी है, लेकिन इन्हें दोनों मुकाबले जीतने होंगे। वहीं पर दोस्तों नंबर 2 टीम की हम बात करें तो यहाँ पर फिलहाल चेन्नई सुपर किंग्स मौजूद है, लेकिन आज कोलकाता नाइट राइडर्स के हाथों मिली हार के बाद अब इनका भी आखिरी मुकाबले पर ही तय होगा कि क्या चेन्नई सुपर किंग्स प्लेऑफ में जा रही है या फिर नहीं, क्योंकि दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स ने 13 में से 7 मुकाबले जीते हैं जबकि 5 मुकाबले हारे हैं। एक मुकाबला इनका अनिर्णायक रहा है तो साथ ही इनके पास 15 पॉइंट हैं। नेट रन रेट की बात की जाए तो +0.381 है। ये टीम अपना बचा हुआ आखिरी मुकाबला अगर दिल्ली कैपिटल के खिलाफ जीत जाती है तो प्लेऑफ में जगह पक्की कर लेगी, जबकि ये चाहेगी कि मुंबई इंडियंस से एक मुकाबला हारे और फिर ये जीते तो ये आगे नंबर 2 पर भी बने रह सकते हैं। वहीं पर दोस्तों फिलहाल नंबर 1 पर गुजरात टाइटंस हैं। गुजरात ने भी 12 में से 8 मुकाबले जीते हैं, 4 आ रहे हैं और इनके पास 16 पॉइंट हो चुके हैं। अब इस टीम के पास 2 मुकाबले बचे हैं, एक मुकाबला सनराइज हैदराबाद के खिलाफ है तो एक मुकाबला RCB के खिलाफ है। अगर एक मुकाबला ये टीम हार जाती है तो फिर मुश्किलों में फंसती हुई नजर आएगी नंबर 1 के लिए, लेकिन अगर एक भी जीत जाती है तो ये पहुँच जाएगी काफ़ी ज़्यादा चांस है क्योंकि नेट रन रेट इनकी काफ़ी शानदार है तो ये नंबर 1 खत्म कर जाएंगे। लेकिन इसके लिए इन्हें एक मुकाबला जीतना है, अगर दोनों मुकाबले ये टीम हार जाती है तो फिर तो और भी ज्यादा मुश्किलें खड़ी हो जाएगी गुजरात टाइटंस के लिए। लेकिन दोस्तों यहां पर पॉइंट टेबल में फिलहाल गुजरात, चेन्नई और मुंबई के साथ साथ लखनऊ, ये 4 ऐसी टीमें हैं जो अभी भी तय नहीं हुई है कि ये नंबर 1 या नंबर 2 पर भी खत्म कर सकती है और साथ ही ये बाहर भी हो सकती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सी 4 टीमें पहुंचेगी आपके हिसाब से, आप हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद।